अगली खबर में बात करते हैं जयपुर की, जहां पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। आरोपी महिला का पर्स छीनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन जब फेल हुए तो पीड़िता को गिरा दिया। घटना में महिला के मुंह, सिर पर गंभीर चोट लगी है। महिला के पति ने जब शोर मचाया तो बाइक सवार आरोपी भाग गए। घटना जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 बजे बदमाशों ने SFS चौराहे के पास महिला से पर्स छीनने की कोशिश में उसे गिरा दिया। इस दौरान महिला सड़क पर 8-10 फीट तक घिसटती चली गई। घायल मीनाक्षी श्रीवास्तव को मानसरोवर के साकेत हॉस्पिटल के ICU में एडमिट कराया गया है। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसकी फुटेज आज सामने आई है। महिला के पति अनिल श्रीवास्तव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि दोपहर 3 बजे वे पत्नी के साथ पूजा का सामान लेकर घर की ओर जा रहे थे। सुमेर नगर की ओर मुड़ने वाले थे, तभी बाइक पर पीछे से 2 युवक आ गए। उन्होंने पीछे बैठी मीनाक्षी के कंधे पर लटका हुआ पर्स छीनने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से वे दोनों घबरा गए। मीनाक्षी ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर मीनाक्षी को स्कूटी से नीचे गिरा दिया। इसके बाद अनिल ने शोर मचाया तो वे भाग गए। घटना के वक्त स्कूटी की स्पीड 40 से 45 के बीच थी। अनिल ने बताया कि मीनाक्षी के चेहरे और सिर में गंभीर चोट लगी है। जानकारी मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन घटना के करीब 22 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। मुहाना थाना CI लाखन सिंह खटाना ने बताया कि घटना के बाद से ही इलाके में लगे हुए CCTV को खंगाला जा रहा है। अब तक 7 लड़कों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं पहले स्नैचिंग करने वाले बदमाशों को भी राउंड अप किया गया है। महिला को स्कूटी से गिरने वाले दोनों बदमाशों के सिर पर ना तो हेलमेट था और ना ही चेहरे ढके हुए थे। इस घटना के बाद दोनों आरोपी आराम से नाके और चौकी पार कर निकल गए, लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर ही है। कमिश्नरेट में इस साल स्नैचिंग की 26 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं घायल महिला और उसके पति भी CCTV फुटेज में बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। यदि महिला ने हेलमेट लगाया होता तो शायद उसके सिर में गंभीर चोट नहीं लगती।